हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में आइडल गैस इक्वेशन के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम इसका क्विक शॉर्ट नोट्स टाइप हम यहाँ पे बनाएंगे इसको। तो आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, ये हम सबको पता होता है। बट अगर आपके एग्ज़ाम में ये लिखने को आता है तो आप किस तरीके से लिखोगे इसको। द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉस कॉल्ड आइडल गैस इक्वेशन। क्या होता है कि आपका, आपने इससे पहले वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ ये सब हमने पढ़े हुए हैं। एंड एक बार इसका क्विक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। जो आपका जो बॉयल्स लॉ होता है, वी इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पे आपका क्या क्या कॉन्स्टेंट होता है, आप यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। जो आपका वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और वहीं अगर एवोगाड्रोस लॉ की बात करें तो वो क्या होता है, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब ये जो आपके तीन लॉज हैं, यहाँ से इन तीनों को कंबाइन करके जो हमारी इक्वेशन बनती है उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो वी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टी और एन के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके प्रेशर के। तो आपको पता है आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट आता है। तो वी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम आर को यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेते हैं एंड टी एन ओवर पी। तो यहाँ पे जो आपका ये आर है वो आर आपका कहलाता है गैस कांस्टेंट। तो इस आर को आप कहते हो गैस कांस्टेंट। एंड यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी इसको आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमारी जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वही हमारी क्या कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो अब इस तरीके से अगर आपका ये न्यूमेरिकली फॉर्म में आ गया, अगर आप इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to the number of moles of gas and temperature and inversely proportional to the pressure। तो इस तरीके से जो हमने आपने यहाँ पे न्यूमेरिकली फॉर्म में यहाँ पे आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई है उसे ही हमने क्या करा, वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन जो कि आती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अब अगर हम इसके आगे देखते हैं, इसी इक्वेशन को अगर हम आगे देखते हैं तो अगर आप यहाँ से गैस कॉन्स्टेंट निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा पी वी ओवर एन टी। तो यहाँ पे आपका P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, एंड मोल है नंबर ऑफ मोल, एंड T क्या है आपका टेम्परेचर है। जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारी थी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन हमारी आती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था आपका आइडियल गैस इक्वेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। That is for today video guys, thank you so much for watching।